मैं इनको कहता हूँ ये जनता को समर्पित करें। इन युवा सीएम ने बधाई दे दी ऐसे कि पता नहीं कि जय भारत माता की, जय अल्विश भाई की, ठीक है उन्होंने जितवा दिया था। आप देखोगे एमसी स्टैंड को। हाय गाइस, ठीक है, आज हम फिर से तीन टॉपिकों पर बात करने वाले हैं, न्यूज, एंटरटेनमेंट एंड नेचर। ठीक है, आज जो है वो न्यूज और एंटरटेनमेंट जो है दोनों मर्ज हो चुका है, क्योंकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और बिग बॉस सीजन OTT 2 के विनर एल्विश यादव, ठीक है, दोनों एक ही स्टेज पे थे। ये हुआ है 19 अगस्त को गुड़गांव में, और सीएम ने एल्विश को बधाई दिया बिग बॉस सीजन 2 को जीतने के लिए। अपने इस राव साहब को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना इसके लिए। ये ट्रॉफी जो एल्विश भाई को मिली है, ये एल्विश भाई को देते हुए मैं इनको कहता हूँ ये जनता को समर्पित करें, इन युवाओं को समर्पित करें। क्या है भाई बिग बॉस सचिन, क्या है लप्पू सा बिग बॉस, ठीक है, जिंगू से जीतने वाले, ठीक है। सीएम ने बधाई दे दी ऐसे कि पता नहीं कोई देश के लिए कोई अवार्ड लेके आया। साथ में ये भी बोला कि जय भारत माता की, जय एल्विश भाई की, ठीक है, भारत माता के, एल्विश भाई के, बहुत बड़ा। तो सेंस नहीं बनता भाई एक बिग बॉस सीजन को जीतने वाले के। भाई बात तो सही है, पिछले सीजन वो भी OTT जीता है, जो मेन वाला होता है वो तो जीता ही नहीं है, मेन वाला तो जो एमसी स्टैंड को उन्होंने जितवा दिया था। आप देखोगे एमसी स्टैंड को। The 16 goes to एमसी स्टैंड। अब तो देखो भाई, चलो जो भी है, वैसे एक हेडलाइन बताता हूँ, एमसी स्टैंड को बिग बॉस ने जितवाया इसलिए था क्योंकि एमसी स्टैंड के जो फैन है, जो छपरी लोग होते हैं, जो उन्होंने बिग बॉस के स्टेज पे आकर वो जो भी उनका सेट होता है उनके उसके पास आके बोलता है अगर एमसी स्टैंड नहीं जीता तो हम इसको आग लगा देंगे। लकड़ी के बने होते हैं यार, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है समरिया, बट मेरे को थोड़ा फनी चीज लगा भाई, इसमें सीएम आगे उसको बधाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर लिया उसने, ठीक है, क्या ही बिग बॉस जीत के क्या ही करेगा भाई, ठीक है, बट ठीक है जो भी है। बट ये है कि जो ओलंपिक वगैरह में जो जाते हैं, जो लोग जीतते हैं उनको सम्मान तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो लोग हार जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो अब गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके नहीं आते हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, उन्होंने कम से कम इंडिया को रिप्रेजेंट तो किया, ठीक है, बट वो सब नहीं होता है। पर चलो अब बात करते हैं नेचर के ऊपर, तो नेचर के लिए हम यही बोलेंगे, ठीक है, आपको पता होगा, चलिए बताते हैं कि जून जुलाई में क्यों ही बारिश होता है। ये बारिश का जो मौसम है वो जून जुलाई में क्यों होता है, उसका रीज़न ये होता है, वैसे अधिकतर लोगों को पता है लेकिन फिर भी मैं कुछ जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अप्रैल के महीने से गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है और अप्रैल मई दोनों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जून में जो समुंदर और नदियों का जो पानी का जो स्तर है वो इतना गर्म हो जाता है कि वो भाप बन के ऊपर की तरफ होता है, भाप बन के ऊपर तरफ जाता है तो एक बादल का पॉप्ड फॉर्म क्रिएट हो जाता है, पानी वाला बादल हो जाता, पूरा समुद्र का पानी और नदियों का पानी ही होता है वो। जब वो बादल एक जब चलते हैं फिर किसी एक बादल से वो टकराते हैं तो बिजली भी होती है, वो बारिश भी आती है, तो वहीं से ही बारिश शुरू होती है, इसलिए ये जो गर्मी का जो कारण है वहीं से ही बारिश जून जुलाई में शुरू होती है। तो बस आज के लिए यही तक ही है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें पसंद आया तो, और अगर आप कुछ नहीं भी पसंद आया तो डिसलाइक कर दें, कमेंट में बता दें, नहीं पसंद आया तो, पसंद आया तो भी कमेंट बता दें ताकि हम अगली वीडियो में उसको ठीक कर सकें।